हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी धक धक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्काई नाम की लड़की से जो दिल्ली में रहती है। दिल्ली में एक जगह पर कुछ बाइकर स्टंट कर रहे थे और स्काई उनका वीडियो बना रही थी। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और सारे बाइकर्स भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर राजवीर नाम का एक बंदा था जिसकी बुलेट शुरू नहीं हो रही थी। स्काई उसके पास आती है और उसकी मदद करती है। यहाँ पर राजवीर स्काई को बताता है कि ये बुलेट उसकी नानी की है। ये सुनकर स्काई काफी शॉक थी कि नानी के पास उसकी खुद की बुलेट है। जिसके बाद स्काई घर जाती है तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड समीर उससे मिलने आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि समीर और स्काई एक वक्त में एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। दोनों साथ में वीडियोस बनाया करते थे और काफी फेमस भी हो चुके थे। लेकिन एक दिन समीर का मोबाइल हैक हो गया और स्काई के फोटोज लीक हो गए। स्काई ये जानती थी कि समीर ने यह जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वो समीर पर काफी गुस्सा थी क्योंकि उसे काफी अश्लील कमेंट्स आ रहे थे। जिसके बाद स्काई ने समीर से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों शायद आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। समीर स्काई से कहता है कि उन्हें अपने अकाउंट्स भी सेपरेट करने होंगे, नहीं तो वापस उन्हें टैक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर स्काई हाँ कहती है और समीर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्काई शोरूम जाती है और वहाँ के मैनेजर से मिलती है। एक्चुअली स्काई को स्पॉन्सरशिप चाहिए थी, लेकिन वो मैनेजर उसके लिए मना कर रहा था क्योंकि स्काई के पास कोई स्टोरी नहीं थी जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो। वो स्काई से कहता है कि वो कोई स्टोरी लेकर आए जिसके बाद वो इसके बारे में सोचेगा। अब स्काई को एक स्टोरी ढूंढनी थी, तभी उसे राजवीर की याद आती है, इसलिए वो राजवीर की नानी से मिलने जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजवीर की नानी का नाम मनप्रीत है। सब लोग उन्हें माही कहके बुलाते हैं। माही के हस्बैंड की काफी साल पहले डेथ हो चुकी है और उसकी दो बेटियां थी। बेटियों की शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में बिजी थी, इसलिए माही घर में अकेली ही रहती है। वो कुछ कूपन इकट्ठा करती थी और उसमें उसे एक दिन बुलेट मिलती है। ये देखकर माही काफी शॉक थी क्योंकि उसे लग रहा था कि बुलेट उसके किस काम की। इसलिए वो उस कंपनी के ऑफिस जाती है और कहती है कि वो लोग उसे बुलेट के बदले माइक्रोवेव दें, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। इसलिए माही डिसाइड करती है कि वो इस बुलेट को बेच देगी। लेकिन एक दिन जब वो बाजार से लौट रही थी तो उसे काफी टाइम तक रिक्शा नहीं मिलता। वो घर वालों को कॉल करके बुलाती है, लेकिन घर वाले अपने काम में बिजी थे। तभी माही को एक ऑटो मिल जाता है, लेकिन वो ऑटो ठीक से नहीं चला रहा था जिसकी वजह से माही का सामान नीचे गिर जाता है। जिसके बाद माही ऑटो से उतर कर चलते हुए घर आती है। जैसे ही वो घर आती है, उसकी आंखों के सामने उसकी बाइक थी। अब माही डिसाइड करती है कि वो बुलेट चलाना सीखेगी। जिसके बाद माही अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है और वो काफी अच्छे से बुलेट चलाने लगती है। माही को देखकर सब लोग काफी शॉक्ड हैं क्योंकि इतनी उम्र में भी माही काफी अच्छी बाइक चलाने लगी थी। गाया कर माही की सारी कहानी रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद माही उसे अपने घर पर लेकर जाती है। तब वो स्काई से कहती है कि उसे एक बार खंडुगला जाना है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खंडुगला बाइकर्स का तीर्थ स्थान है, इसलिए माही एक बार वहां जाकर रहेगी। ये सुनने के बाद स्काई काफी शॉक थी और वो वहां से चली जाती है। लेकिन जब स्काई घर आकर आराम से इस बारे में सोचती है तो उसे माही का आइडिया बहुत पसंद आता है और स्काई डिसाइड करती है कि वो माही को लेकर खंडुगला जाएगी। इससे उसके व्यूज भी बढ़ेंगे और उसे स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी। स्काई फिर से मैनेजर से मिलने जाती है और उसे अपना आइडिया बताती है। स्काई का ये आइडिया मैनेजर को भी बहुत पसंद आता है और वो स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार था। लेकिन वो स्काई से कहता है कि उन्हें अपनी ट्रिप 7 दिन में कंप्लीट करनी होगी, जिसके लिए स्काई मान जाती है। जिसके बाद स्काई ये बात जब माही को बताती है तो माही भी बहुत खुश थी क्योंकि माही भी अपनी लाइफ से काफी बोर हो गई थी। अब स्काई और माही जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपनी बाइक का मेंटेनेंस करना था और ये देखना था कि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए वो हिंदुस्तान मोटर्स जाते हैं और अपनी बाइक की चेकिंग करवाने लगते हैं। तभी वहां पर जो शबीर नाम का आदमी था वो उनसे कहता है कि उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, उनके साथ कोई जेंट्स रहेगा तभी उन्हें आसानी होगी। इस बात से माही गुस्सा हो जाती है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर शबीर की वाइफ उज्मा आती है और वो उन्हें दूसरी गली में आने के लिए कहती है, जिसके बाद उज्मा उनकी बाइक रिपेयर कर देती है। उज्मा का ये टैलेंट देखकर माही और स्काई दोनों ही काफी इम्प्रेस्ड हैं। वो उज्मा से कहते हैं कि वो भी उनके साथ चले। उज्मा इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन तभी स्काई कहती है कि वो उसे 75,000 देगी और ये सुनकर उज्मा उनके साथ आने के लिए मान जाती है। अब उज्मा की बात करें तो उज्मा के पापा हिंदुस्तान मोटर्स के ओनर थे, इसलिए उज्मा को बचपन से ही गाड़ियों का काफी ज्यादा शौक था।
साथ ही उसे गाड़ियों के बारे में काफी नॉलेज भी था। कुछ टाइम बाद उज्मा जब बड़ी हो गई तो उसकी शादी शबीर से हो गई और शादी के बाद हिंदुस्तान मोटर्स को शबीर संभालने लगा और उज्मा बन गई हाउसवाइफ। अभी उनकी एक बेटी है जो स्कूल में पढ़ती है। वो जब घर आकर बताती है कि उसे एक लैपटॉप की जरूरत है तो शबीर उसे लेने से मना करता है। वो कहता है कि खर्चा काफी होगा, लेकिन उज्मा चाहती है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को लैपटॉप दिलाकर रहेगी। लेकिन उसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी जो अभी स्काई ने उसे ऑफर किए थे, इसलिए उज्मा उनके साथ आने के लिए मान जाती है। एक्चुअली शबीर उज्मा की कोई भी बात नहीं सुनता, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उज्मा क्या चाहती है। उसके लिए उज्मा बस घर के काम करने वाली मशीन थी, इसलिए उज्मा शबीर से झूठ बोलती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ अजमेर शरीफ जाने वाली है। पहले तो शबीर इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन उज्मा कहती है कि उसकी जब दोस्त वहां पर जाकर आई तभी उसे बेटा हुआ। ये कहने के बाद शबीर उसे जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद उज्मा, माही और स्काई वहां जाने की तैयारियों में लग जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके साथ मंजरी भी आने वाली है। अब मंजरी की बात करें तो मंजरी की कुछ टाइम पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसने अपने होने वाले पति से बात नहीं की। मंजरी चाहती है कि वो एक बार अपने होने वाले पति से बात करें, लेकिन उसकी माँ कहती है कि आज तक मंजरी का हर फैसला उन्होंने लिया है और वो जानती है कि मंजरी के लिए क्या सही है और क्या गलत। उन्होंने जो लड़का चूज किया है वो लड़का अच्छा ही होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मंजरी के पापा की जब वो छोटी थी तभी डेथ हो चुकी थी, तब से मंजरी की माँ ने अकेले ही मंजरी की परवरिश की है और शायद इसीलिए वो मंजरी को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन मंजरी चाहती है कि वो अब खुद के फैसले खुद ले, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी थी। लेकिन उसकी माँ का कहना था कि मंजरी के लिए क्या सही है और क्या गलत ये वो अच्छे से जानती है। तभी मंजरी को मार्ता का कॉल आता है जो कि एक नॉर्थ इंडियन लड़की थी। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि कुछ टाइम पहले मार्ता दिल्ली आई थी। तब वो मंजरी की माँ की शॉप में गई थी और वहाँ की डिजाइन उसे काफी पसंद आई थी, जिसके बाद मार्ता ने उन्हें बहुत सारे कस्टमर्स ला कर दिए। इसलिए मार्ता और मंजरी की फैमिली के बीच काफी अच्छा रिलेशन था। मार्ता मंजरी से पूछती है कि क्या वो इस शादी से खुश है, और मंजरी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि आज तक उसके लाइफ का कोई भी फैसला उसने खुद से नहीं लिया था। तब मार्ता मंजरी से कहती है कि वो उसके पास आ जाए, लेकिन अपनी माँ को झूठ बोले कि वो फ्लाइट से आएगी। एक्चुअली मंजरी को भी बाइक चलाना बहुत पसंद था, इसलिए मार्ता उसे कहती है कि वो भी स्काई के साथ आए। एक्चुअली स्काई ने ये वीडियो शेयर किया था, इसलिए मार्ता को पता चला कि वो सब लोग वहां पर आने वाले हैं। अब मार्था मंजरी को ये बात बताती है, जिसके बाद मंजरी स्काई से मिलती है। अब चारों मिलकर प्लानिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें कब निकलना है। उनका डिसाइड होता है कि वो लोग 7 बजे एक पॉइंट पर मिलेंगे। बाकी तीनों तो आ जाते हैं, लेकिन मंजरी वहां पर नहीं आई थी। एक्चुअली मंजरी मैप लाना भूल गई थी, इसलिए उसे रास्ता पता नहीं चल रहा था और उसे ये भी याद नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ पर जाना है। वो काफी डरी हुई थी, तभी रास्ते में उसे एक सरदार जी मिलते हैं जो मंजरी से पूछते हैं कि वो क्यों रो रही है। तो मंजरी बताती है कि उसे ट्रिप पर जाना है और ट्रिप के सारे डिटेल्स उसके मोबाइल में हैं और वो अपना मोबाइल ही घर पर भूल कर आई थी। सरदार जी उसे समझाते हैं कि वो उनके मोबाइल में अपना ईमेल लॉगिन करें, जिससे उसे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। जिसके बाद मंजरी वैसा ही करती है और उसे स्काई का मोबाइल नंबर भी मिल जाता है। वो स्काई से लोकेशन के बारे में पूछती है और स्काई उसे लोकेशन बता देती है, जिसके बाद मंजरी सरदार जी को थैंक्स कहती है। तो सरदार जी उसे समझाते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो शांत मन से सोचकर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, इस तरह से रोने से कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद मंजरी स्काई और बाकी सबसे मिलती है और उनका सफर फाइनली शुरू हो जाता है। पहले दिन वो सब लोग काफी थक चुके थे, लेकिन बहुत ज्यादा खुश भी थे क्योंकि वो कुछ अलग ट्राई कर रहे थे। तो वही उज्मा को अपनी बेटी की याद आ रही थी, लेकिन वो अपना सफर कंटिन्यू रखती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उन्होंने काफी डिस्टेंस कवर कर लिया था, लेकिन उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। कभी पुलिस वाले रोकते थे तो कभी फॉग की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता, लेकिन ये चारों हार नहीं मानते और अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं। अब रेस्ट करने के लिए वो लोग एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर स्काई अपना मोबाइल एक आदमी को देती है ताकि वो उन सबकी फोटो खींच सके। लेकिन उस आदमी को वो बात समझ में नहीं आती और वो स्काई के अकाउंट से लाइव जाता है। जब स्काई और बाकी सब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे, जैसे कि उनकी मैरिड लाइफ, उनकी सेक्स लाइफ, ये सब कुछ, दूसरे दिन उन्हें पता चलता है कि उनका ये वीडियो लाइव हो गया था। और ये देखकर माही और उज्मा स्काई से लड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि स्काई ने व्यूज पाने के लिए ये सब कुछ किया होगा, लेकिन मंजरी कहती है
स्काई ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि स्काई के फोटोज भी लीक हो गए थे। इससे स्काई को काफ़ी परेशानी हुई थी, और जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है वो दूसरों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। और ये सुनकर माही और उज्मा को भी यकीन हो जाता है कि स्काई ने ये सब कुछ नहीं किया था। लेकिन अब तीनों के घर वालों को पता चल गया था कि ये तीनों कहाँ जा रही हैं, और तीनों के घर वाले इन तीनों से काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। लेकिन ये चारों अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। एक जगह पर स्काई माही के वाटर शॉट्स ले रही थी, तभी वो देखती है कि पानी काफ़ी तेज़ी से आ रहा था। स्काई और माही तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन स्काई की बुलेट वहीं पर छूट जाती है और पानी के साथ बह जाती है। ये देखकर स्काई काफ़ी रोने लगती है, और उसे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो चाहे लाइफ में कितनी भी कोशिश करें, कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगी। अब स्काई काफ़ी टेंशन में आ गई थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वापस चली जाएगी। बाकी के तीनों उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन स्काई उनकी बात नहीं सुनती और वापस जाने लगती है। तो वहीं ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। ये तीनों आगे बढ़ती हैं और खंडूला के काफ़ी करीब पहुंच गई थी, लेकिन तभी अचानक माही की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मंजरी और उज्मा उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, इसलिए मंजरी मार्था के आश्रम जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर उसे सिलेंडर मिल जाएगा। तो वही उज्मा भी वहाँ के लोकल स्टोर्स में सिलेंडर के बारे में पूछने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मंजरी की माँ आती है और मंजरी को डांटने लगती है। वो चाहती है कि मंजरी उनके साथ वापस चले। तो वही उज्मा को भी सिलेंडर मिल जाता है, लेकिन जैसे वो वापस आ रही थी उसकी बाइक को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड शबीर ने कंप्लेंट फाइल की थी कि उनकी बुलेट चोरी हो चुकी है। उज्मा शमीर से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करें, लेकिन शमीर कहता है कि उज्मा उसे झूठ बोलकर गई थी, इसलिए अब वो उसे सजा भी देगा। जिस पर उज्मा कहती है कि आज तक शबीर ने कभी भी नहीं सोचा कि उज्मा को क्या चाहिए। उज्मा शबीर को याद दिलाती है कि उसके पापा ने शबीर को हिंदुस्तान मोटर्स चलाने के लिए दी है, लेकिन उसकी ओनर उज्मा है, इसलिए अगर शबीर ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं की तो काफ़ी कुछ बुरा हो सकता है। जिसके बाद शबीर मान जाता है और कंप्लेंट वापस ले लेता है। तो वही मंजरी अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो सिलेंडर देने जाना चाहती है। उसकी माँ मना कर रही थी तो मंजरी कहती है कि वो भी उसके साथ चले, जिसके बाद मंजरी और उसकी माँ हॉस्पिटल चले आते हैं। मंजरी वहाँ पर सिलेंडर लेकर आई थी, साथ ही वहाँ पर उज्मा भी सिलेंडर लेकर आती है कि तभी वहाँ पर स्काई भी सिलेंडर लेकर आती है। एक्चुअली स्काई को भी वहाँ के एक आदमी ने कॉल करके बताया था कि माही को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए स्काई भी वहाँ पर सिलेंडर लेकर आई थी। स्काई माही से वादा करती है कि वो लोग अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो वही मंजरी भी अपनी माँ से बात करती है कि वो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, अपनी माँ की तरह सब कुछ खुद करना चाहती हैं और अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती हैं। ये बातें सुनकर उसकी माँ भी उसे जाने की परमिशन दे देती है, जिसके बाद ये चारों फिर से अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं और फिर चारों फाइनली खंडूला पहुँच जाते हैं। चारों वहाँ पर जाकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली उन्हें अपनी मंजिल मिल गई थी। साथ ही वो भी समझ चुकी थी कि वो लोग चाहे तो लाइफ में कुछ भी कर सकती हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी धक धक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।